हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटेक पॉली पर। आज से जो है हम जो है बिल्डिंग ड्राइंग के जो है फर्स्ट जो ड्राइंग है स्पीड फुटिंग फाउंडेशन उसके जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो जनरली ये क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है, जो कि क्या बिल्डिंग ड्राॅइंग के पेपर में क्या है आया हुआ था। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पीड फुटिंग फाउंडेशन विद द फॉलोइंग डाटा। और 2021 में ये क्या है क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है हमको 30 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है 1 मीटर, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है 90 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ ब्रिक मैसनरी स्टेप क्या है 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। और हिंदी में आप क्या क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विस्तृत पाद नींव का क्या अनुप्रस्थ काट दिए गए डाटा के आधार पर बताइए। तो जो ऊपर है वही क्या नीचे हिंदी में भी लिख दिया गया है, तो ताकि हिंदी वालों को भी क्या कोई परेशानी ना हो, तो इसका भी क्या यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो हमारे पास जनरली हम देखें तो हमारे पास जो है फाउंडेशन हमारे पास के दो दो प्रकार के फाउंडेशन होते हैं हमारे पास। एक होता है एक मिनट फाउंडेशन जनरली हमारे पास क्या दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है शैलो फाउंडेशन और एक होता है हमारे पास एक होता हमारे पास डीप फाउंडेशन। तो जो जनरली हम क्या यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस में है स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन है, तो फर्दर इसके भी क्या है शैलो फाउंडेशन भी क्या है टाइप है। एक है स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, और इसके भी क्या हॉल 4-5 हॉल टाइप हो, जो कि भी क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में जो स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन है वो क्या है सेलो टाइप का फाउंडेशन है। डीप फुटिंग फाउंडेशन के अंतर्गत फिर अलग फाउंडेशन आ जाते हैं, जैसे पाइल फाउंडेशन, कैसन फाउंडेशन, ये सब क्या है डीप फुटिंग फाउंडेशन। लेकिन जो हमारे पास सिलेबस में है वो क्या स्पीड फुटिंग फाउंडेशन है, तो हम यहाँ पे जनरली क्या स्पीड फुटिंग फाउंडेशन ही बनाएंगे। स्पीड फुटिंग फाउंडेशन भी जो है हमारे पास फिर क्या दो तरीके के हैं। एक तो है विद लेंथ प्रोजेक्टेड, एक हमारे पास है विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड। तो हम जनरली जो यहाँ पे बनाएंगे इन दो को लेकर क्या हम बनाएंगे, एक है विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड, एक है विदाउट प्लिंथ। अब यहाँ पे समझते हैं इन दोनों का अर्थ क्या है। विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड का अर्थ है कि हम क्या जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर भी क्या है प्लिंथ के ऊपर क्या करेंगे प्रोजेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से हमारे पास क्या फाउंडेशन ऊपर गई, तो यहाँ पे भी यहाँ से नीचे से ये फाउंडेशन आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या हम यहाँ पे प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है जितने भी सेंटीमीटर थिक वॉल होगी वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करके यहाँ पे क्या कंटिन्यूस कर देंगे। ये हो गया हमारे पास विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड। और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड की बात करें तो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया, तो यहाँ से भी क्या है ये माना बात क्या फाउंडेशन आ रही है ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे इसमें क्या है यहाँ ऊपर तक गई, तो यहाँ पे जैसे हमने प्रोजेक्शन दिया तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन, यानी प्लिंथ पे क्या इस पर कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या डीपीसी बना के फिर फर्दर इसको क्या यहाँ पे क्या कंटिन्यू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या इस पर कोई क्या प्रोजेक्शन नहीं दिया है, जबकि हमने यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन दिया है। तो डिफरेंस यही है कि एक ये कौन सी होगी, ये होगी विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड, ये क्या होगी विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड। तो बेसिकली आपको क्या इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड क्या होती है और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड क्या होती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट वन है वो हम बनाएंगे 200 mm थिक वॉल, यानी 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर थिक वॉल विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड। सॉरी यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे 300 mm कर देंगे 30 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या है इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमें जनरली हम स्केल आप जो है क्वेश्चन का क्या है स्क्रीन शॉट ले लें। तो जनरली हम क्या यहाँ पे हमें क्या स्केल लेनी होती है, तो हम जो स्केल लेंगे यहाँ पे स्केल हम मानेंगे यहाँ पे स्केल जनरली हम क्या लेंगे 1:10 का, यानी जो हमारे पास जो भी हमारे पास ड्राॅइंग होगी हम उसको क्या 1:10 में क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया होगा तो हमारे पास क्या है कैलसी का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कैलसी के बिना तो कैलकुलेशन होती नहीं है। तो आप लोग क्या कैलसी ज़रूर खरीद लें।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन में दिया था विड्थ ऑफ फाउंडेशन दे रखा हमको 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे, 90 यानी 90 डिवाइड बाई, क्योंकि हमने 1:10 का स्केल लिया तो 10 करेंगे तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक वन मिनट, नौ सेंटीमीटर क्या करेंगे, ये चलें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसके जो थिकनेस ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे हमको देखिए क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक 30 सेंटीमीटर, तो अगर हमें क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता कि थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक 30 सेंटीमीटर, तब फिर भी हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास थिकनेस ऑफ वॉल होती है, जैसे हमारे पास दिया है क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर, तो हम उसी को क्या यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक यहाँ पे थिकनेस मान लेते, तो 30 सेंटीमीटर को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 10 तो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, वन मिनट, 3 सेंटीमीटर ऊपर। फिर यहाँ पे जो ये अंदर आते हैं, वो आते हैं D बाई टू या T बाई टू, तो D यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल हमें दे रखी 30 सेंटीमीटर, तो T बाई टू जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे 15 डिवाइड बाई 10 करके, तो हमारे पास आएगा 8, तो 1.5 हम यहाँ से अंदर चलेंगे, 1.5 हम यहाँ से क्या अंदर चलेंगे, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर गए, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से अंदर गए। फिर जो हम फर्दर जो कंटिन्यू ऊपर करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, तो हम उसको क्या 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर के ऊपर लेते जाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर को जब हम स्केल पर चेंज करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 10 तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से ऊपर चले, फिर यहाँ से जो क्या 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर चलेंगे। फिर जो हम अंदर आते हैं वो हम क्या 5 mm के अंदर आते हैं, यहाँ से भी क्या हम 5 mm अंदर आए, जो हम क्या 5 mm अंदर आए, ठीक है। फिर जो है जनरली ये वाला जो बेसिकली हमारे पास ये होता है 2T प्लस जो हमारे पास क्या होती है थिकनेस ऑफ वॉल है, तो थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास क्या है 300 है, तो 2T यानी ये वाला पोर्शन जो हमारे पास होता है वो तो हमारे पास 2T प्लस जो थिकनेस ऑफ वॉल है, तो थिकनेस ऑफ वॉल है हमारे पास 300, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास होता है 2T प्लस 300, तो जहाँ पे यहाँ पे T की वैल्यू रखेंगे तो ये 300 है, और थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे जो ये 300 है यहाँ पे क्या है थिकनेस ऑफ वॉल लेते हैं, तो 300 हमारे पास थिकनेस ऑफ वॉल, तो हम जो ये करेंगे ये आएगा टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या 900 mm आ रहा, तो देखेंगे आप लोग देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन यानी यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है टी प्लस 100 होता है, टी प्लस 100 बोल करेंगे अगर तो टी प्लस जो हमारे पास क्या थिकनेस होती है यानी 300, तो टी यहाँ पे 300 था, ठीक है, प्लस जो हमारे पास क्या थिकनेस ऑफ वॉल था, तो ये आ जाएगा ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 600 mm, तो 600 mm यानी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर स्केल पर चेंज करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 10 यानी ये आएगा हमारे पास, ये यहाँ से देखो आप देख सकते हैं कि अगर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या हम 5 mm अंदर आए, यहाँ से भी क्या 5 mm अंदर आए, फिर हम क्या करेंगे 200 mm क्या है, फिर क्या ऊपर जाएंगे, यहाँ से भी 200 mm ऊपर, यहाँ से भी क्या जाएंगे 200 mm ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 600, ये 500 हो गया क्योंकि हम 5 यहाँ से अंदर आए, तो ये हमारे पास 500, फिर यहाँ से क्या 5 mm फिर अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से भी क्या 5 mm फिर अंदर जाएंगे, एंड फिर यहाँ से क्या 200 mm ऊपर क्या है ऊपर चलेंगे, यहाँ से भी क्या 200 mm क्या यहाँ से क्या ऊपर चलेंगे, अभी हमारे पास 600 500, ये हो गया 400, ठीक है। अब 400 हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल खींच लेंगे, 5 ये क्या आप अपने अंदाजे से खींच सकते हैं, 5 हम इधर चले गए तो और 5 हम यहाँ से 9 5 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल से क्या जो हमारे पास जो प्लिंथ लेवल तक की हाइट होती है वो हम क्या 40-60 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो जनरली हम यहाँ पे क्या लेंगे 40 सेंटीमीटर यानी 400 mm में बात करें तो 400 mm, तो 40 को जब हम चेंज करेंगे स्केल पे तो 40 डिवाइड बाई 10 तो आएगा 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से क्या हम 4 सेंटीमीटर के ऊपर चलेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर यहाँ से क्या ऊपर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा हमारा डी पी सी जनरली हम क्या भवन में लगाते हैं ताकि जो नमी पानी होते हैं वो क्या ऊपर क्या दीवार में ना चढ़े, तो यहाँ पे क्या हम डी पी सी प्रोवाइड करेंगे, तो डी पी सी की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की स्केल पे चलेंगे तो 4 डिवाइड बाई 10 तो ये आएगा हमारे पास 0.4 mm, तो यहाँ से जो हम जो है 4 mm के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे 4 mm के हम नीचे आए, ठीक है, ये हमारा हो गया डी पी सी। एंड हमारे पास क्योंकि विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड है तो यहाँ पे हमें क्या प्रोजेक्शन देना पड़ेगा,
और थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास वैसे क्या थी, 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है। हम ये हमारे पास टोटल क्या 40 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ से अंदर आएंगे, 5 यहाँ से के अंदर आएंगे, और यहाँ से हम जो है इसको अपनी मर्जी से क्या कितना भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो जनरली मैं पे 3 सेंटीमीटर ले आ रहा हूँ, तो आप सूटेबल क्या है कुछ भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी क्या 3 सेंटीमीटर ऊपर ले गए, एंड यहाँ से क्या करेंगे इसको क्या कंटिन्यूस कर देंगे, क्योंकि फर्दर ये क्या बहुत ऊपर तक जाती है, इसलिए हम क्या यहाँ पे कंटिन्यूस का सिंबल लगाना यहाँ पे क्या ज़रूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हम क्या अज्यूम करेंगे कुछ, ठीक है। हमारे पास गिवन डाटा था थिकनेस ऑफ वॉल के 30 सेंटीमीटर, हम डाटा क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जनरली हमारे पास ये क्वेश्चन 2021 में आया था, और वहाँ पे हमने जो है सबसे बड़ी भूल जो हो गई थी, हमने क्या सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस वगैरह लाइम कंक्रीट की थिकनेस ये कुछ नहीं दिखाया था, तो वहाँ पे क्या नंबर इकट्ठे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसा ना करें, ठीक है। तो हमें क्या डाटा अज्यूम करना पड़ेगा कुछ, तो सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस क्या 2.5 सेंटीमीटर ले ली हमने, लाइम कंक्रीट की थिकनेस क्या 7.5 सेंटीमीटर ले ली, RCC स्लैब थिकनेस 15 सेंटीमीटर, पैरापिट वॉल जो है 1 मीटर ले लिया, DPC तो हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। ये डाटा अज्यूम करें, फिर अज्यूम फार्मूला क्या है, कंक्रीट बेस स्लैब के क्या होता है हमारे पास 2T+30। मानो हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारे पास आप देख सकते हैं थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया दे रहा, थिकनेस नहीं विथ ऑफ फाउंडेशन हमें दे रखे 90 सेंटीमीटर, यानी ये 90 सेंटीमीटर था। लेकिन अगर माना बात हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो हमारे पास क्या है ये वाला फार्मूला है, यानी जो 2T+30 वाला क्वेश्चन फार्मूला, इससे क्या हम निकाल सकते हैं, जहाँ टी क्या थिकनेस ऑफ क्या है वॉल है जो कि हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हमारे पास फार्मूला वो होता है 3T है, और यहाँ पे 3 × T यानी टी की जगह हमारे पास जैसे 30 सेंटीमीटर तो 90 सेंटीमीटर वैसे ही आ जाता है हमारे पास, वह टी इज़ द थिकनेस ऑफ वॉल। तो ये हमारे पास फार्मूला माना बात, अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू नहीं दी होगी, तो हम क्या इन फार्मूला से क्या कैलकुलेशन करेंगे, आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्या इन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस क्या 2.5 सेंटीमीटर है, एंड लाइन कंक्रीट की थिकनेस क्या 7.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम पहले क्या इसको क्या आगे बढ़ाएंगे प्लेन लेवल से, यहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ पे हम इसमें क्या सीमेंट इसमें क्या हम सीमेंट कंक्रीट की क्या दे देंगे फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास देखा है सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस क्या यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 2.5 / 10, तो यार 0.25 mm यानी 0.3 mm ले सकते हैं इसको, तो 0.3 mm बेसिकली यहाँ पे क्या 0.3 mm लेंगे, और ये लाइन ये हो गए हमारे पास सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस। अब आते हैं हमारे पास लाइन कंक्रीट थिकनेस, हमारे पास लाइन कंक्रीट की थिकनेस देखिए हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 को जो स्केल पे चेंज करेंगे तो 7.5 / 10, तो यार 0.75 mm यानी 0.8 mm के आसपास आ रहा है, तो आप लोग केयरफुली बनाएं, ठीक है। ये लाइम कंक्रीट हो गई, और बाकी जो इसमें अभी ये क्या इसमें क्या आएगी इसको यहाँ पे क्या कर देंगे कॉन्टीन्यूस कर देंगे, ये क्या है जो ये बाकी बचा है इसको ये क्या रबल फिलिंग में काम आएगा, रबल फिलिंग यानी रबल भराई में क्या है काम आएगा ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा जनरली क्या लगभग तैयार हो गया, अब इसकी क्या है नेमिंग और हैचिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कितना था, ये हमारे पास तो आप लोग क्या जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको, ये था हमारे पास हम जो डायमेंशन जनरली रहेगी हम क्या mm में लिखेंगे, तो ये आएगा 900 mm, mm को क्या कैपिटल में लिखना है सारे, ठीक है। यहाँ पे हम इस पर वेट इसको क्या कंप्लीट ही कर देते हैं, तो एंड यहाँ पे हम क्या भराई करेंगे किसकी सीमेंट कंक्रीट की, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे सिंपल बनाना पड़ेगा, तो अगर आप इस पैटर्न में बनाएंगे तो क्या ज़्यादा बढ़िया देखने में लगेगा, क्योंकि ये DPC है, तो यहाँ पे भी हम क्या DPC जनरली क्या सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है 1:4 में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है भराई करेंगे हम रबल मैशनरी,
दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या ये फिगर क्या कंप्लीट हो गया है। तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास ये क्या कंक्रीट का फाउंडेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसकी विड्थ क्या है 900 mm है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस क्या है यहाँ पे 300 mm है, अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या वैसे भी जितनी क्या थिकनेस हमारे पास दी होगी वॉल की उस थिकनेस को हम यहाँ पे ले लेंगे। बाकी ये हमारे पास होता है टी प्लस 300, ठीक है। टी यहाँ पे क्या थिकनेस ऑफ वॉल है और 300 वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पे 300 mm थिक वॉल, तो यहाँ से क्या घटाते जाएंगे तो टी प्लस यहाँ पे 300 था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टी प्लस 300 कहते तो 600 mm, इससे क्या 100 mm क्या कम करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 500 mm 400 mm, और ये जो हमारे पास थिकनेस ऑफ वॉल गया 300 mm। फाइनली हम क्या प्लिंथ लेवल के ऊपर जब दीवार निकालेंगे तो हमारे पास क्या थिकनेस ऑफ वॉल हो गई 300 mm। धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो क्या आपको पसंद आए तो इस वीडियो को क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करने ना भूलें। धन्यवाद।